ये राग ब्राउजर क्या है? गूगल ब्राउजर की तरह राग ब्राउजर भी है सर। फॉरेन कंट्रीज में इसे डार्क वेब कहते हैं सर। ये फेक आईपी एड्रेस क्रिएट करके बदलता रहता है सर, इसलिए इसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। सर मेरे पास एक आइडिया है, हमने जिन लड़कों को अरेस्ट किया है उन्हीं से ड्रग ऑर्डर करवाते हैं, जब बाइक वाला डिलीवरी करने आएगा तो पकड़ा जाएगा और उसी से पूछताछ करके शायद गैंग तक भी पहुंच जाए। नहीं, अगर डिलीवरी वाले को अरेस्ट कर लिया तो उसके ऊपर जो है वो अलर्ट हो जाएगा। मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। लता, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की लिस्ट रेडी है? रेडी सर। टीम प्ले द विजुअल्स। सिटी में पैसा लेकर हत्या करने वाले 6 ही लोग हैं। दो लोग जेल में है, दो लोग अब्सकॉन्डिंग। बाकी के दो लोग पिछले कुछ सालों से कुछ नहीं कर रहे सर। ओके, रिलैक्स, काफी सीरियस हो गया ना। चलो हम एक गेम खेलते हैं, ऐसे थोड़ी मस्ती करते हैं। ओके सर। ओके सर। तुम दोनों के बीच एक सेल्फी कंपटीशन करवाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। रियली सर? अपनी एक सेल्फी लेकर सारंगन को भेजो। ओके सर। डन सर। भेज दिया सर। गुड। हाँ आ गई सर। मैं जीत गई ना सर? मैं जीती ना सर। सारंगन सर, ये सेल्फीज दोनों रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भेज दो, इन दोनों को मारने की सुपारी दे दो। ओए माँ, सर। सारंगन सर के चश्मे में लगे हुए कैमरे का सिग्नल मिल रहा है और वो इस वक्त उस रिटायर्ड किलर के घर में है। उस किलर का नंबर हम ट्रैक कर पा रहे हैं सर। इन दोनों को मारना है। एक रिटायर्ड क्रिमिनल फोटो किसको फॉरवर्ड कर रहा है? लेकिन उसने फोन से मैसेज, व्हाट्सएप, मेल का इस्तेमाल नहीं किया, फॉरवर्ड कैसे किया पता नहीं चल पा रहा है। एडवांस। काम खत्म करके बताता हूँ। सारंगन, उसका फोन उठा लो। ब्राउजिंग हिस्ट्री ओपन करके सारे लिंक्स चेक करो। इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री है ही नहीं सर। सारंगन स्टॉप स्टॉप, बैक जाइए, उस ऐप को ओपन करिए। सर ये भी राग ब्राउजर है सर। ओह माय गॉड, मतलब इस बाइक गैंग ने राग ब्राउजर को यूज करके एक बहुत बड़ा क्राइम नेटवर्क क्रिएट किया है। हैक करो उसे। टीम अलर्ट, उस आईपी एड्रेस को फॉलो करके पता करो ये फोटोज कहाँ कहाँ फॉरवर्ड की गई हैं। ये फोटोज हाई कोर्ट एरिया में किसी नंबर पे भेजी गई हैं। वहाँ से साउथ कार्पेट एरिया में एक नंबर पर गया है। शशि तुम हाई कोर्ट जाओ, अहमद साउथ कार्पेट पहुँचो, जल्दी फास्ट। लेफ्ट, यही लेफ्ट, मुड़ो मुड़ो जल्दी। सर साउथ कार्पेट से दूसरे एरिया में फॉरवर्ड हो गया है, लोकेशन लगातार जंप हो रहा है सर। कमोन 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 कमोन, उस एड्रेस का पता लगाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑलमोस्ट क्लोज है सर। अबॉर्ट अबॉर्ट, जिसने भी तुझे फोटोज भेजे उनको वहां से भागने बोलो। इधर।
स्टॉप स्टॉप, लोकेशन यही है। सर इस लोकेशन पर बहुत घर हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो यहाँ से भाग गया सर। बहुत एडवोकेट्स हैं सर, पकड़ में नहीं आ रहा है। ओके गुड ट्राई, नो वरीज। अहमद को सिग्नल की लास्ट लोकेशन भेजो। अहमद तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जाके चेक कर लो। उस लोकेशन पर एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है और उसी बिल्डिंग से एक आदमी बी किंग बाइक पर फरार हो गया है। आसपास के सभी स्मार्ट पोल फुटेजेस चेक करो। बैक या फ्रीज। सर गाड़ी 5 सिग्नल्स को क्रॉस कर चुकी है, वो स्मार्ट पोल में रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। गाड़ी बदल दी होगी। सोफिया सर इतनी डिटेल से उसका स्केच बना पाओगी? ट्राई करती हूँ सर। पुलिस को जिस व्यक्ति पर बाइक गैंग का लीडर होने का शक है उसका स्केच उन्होंने जारी किया है। इसके बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी हो तो इस नंबर पर पुलिस से संपर्क करें। सारा तुरंत सभी एजेंट्स को हमारे सेफ हाउस आने के लिए बोलो। पहले बोला था इंटरनेट पे फोटो भेजने से ही काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब बोल रहे हैं किसी एसीपी अर्जुन को पता चल गया है। एनीवे मेरा एंटीसिपेटरी बिल रेडी करो। आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। कितने एजेंट हैं? अप्पू, शांता, तुम लोग भी उस नेटवर्क में? मेहता, तुम भी? अरे हमें छोड़ो, इन सब वकीलों को देखो। वकील, गुंडे, गांजा और ड्रग्स पेडलर सबके सब? हम सारे एक ही नेटवर्क में हैं। तुम लोग मर्डर करने के लिए पैसे और फोटो मुझे भेजते हो और मैं उसे लीडर को देता हूँ। इधर है वो लीडर। तुमने कहा था कि हमें आमने सामने कभी आना नहीं पड़ेगा। मर्डर या रॉबरी तुम ऑनलाइन नेटवर्क से कर दोगे, कभी पुलिस हमें पकड़ नहीं सकेगी। तो फिर अर्जुन को कैसे पता चला? अर्जुन ने हमारे नेटवर्क को हैक कर लिया है, हमें नहीं पता हमारे बारे में उसे कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देगा। अब हमारे बचने का एक ही रास्ता है, इसको ही खत्म कर दो। इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इसे जलाकर राख कर दो। कौन है बे? रुकता क्या बे? छपरी मार डालेंगे तेरे को। ये सब कहां से आ गए? चीफ हम आपको पहली बार देख रहे हैं। आज तक ये समाज हमें बेरोजगार, निकम्मा, बेकार बुलाता था, हमारी बेइज्जती करता था। हर वक्त हम सर झुका के गाली खाते थे और खाना भी शर्म से खाते थे। परिवार ने इज्जत नहीं दी, रिश्तेदारों ने इज्जत नहीं दी, समाज ने इज्जत नहीं दी। इस नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद ही हमें इंसान होने का एहसास हुआ। आप ही ने हमें इस समाज में इज्जत दिलाई, हम में जीने की उम्मीद जगाई। आप ही की वजह से आज हमारा वजूद है। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके गुलाम हैं। हम आपके गुलाम हैं। शैतान के गुलाम हैं हम। शैतान के गुलाम हैं हम। आज तक हम छुप कर काम करते आए हैं, लेकिन आज से हम शैतान के गुलाम खुलेआम इस समाज से युद्ध की घोषणा करते हैं। अपने माँ बाप रिश्तेदार किसी पर भरोसा मत करो। हमें जो कुछ भी चाहिए हम छीन कर रहेंगे। हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले अर्जुन को मारना ही हमारा पहला काम है।
कल 1 टन पाउडर कोलंबियन गैंग एटीएम वैन में स्मगल करके चेन्नई ला रहा है। यही समय मिला अर्जुन को इसमें घुसने का। शी, हमारे नेटवर्क के बारे में पता करके अर्जुन का स्मार्ट इमेज बन गया है। कल उसे मैं बेवकूफ बनाऊंगा, उसके बाद सब लोग जोकर बोलकर उस पर हंसेंगे। सारा, हेलो, ट्रेस द कॉल। आप कौन है? तू चुप रह, उसे पता है कि हम कौन है। फोन दे। कनेक्ट। अर्जुन हियर। अर्जुन? हाँ बक, क्या बकना है चोर? चोर? अगर कोई अपने सामान को संभाल नहीं सकता तो उसे उस सामान को रखने का भी हक नहीं है। ताकतवर को जो चाहिए वो छीन लेता है। ताकत दूसरों को बचाने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। अच्छा आदमी बचाता है, बुरा आदमी तबाह करता है, लेकिन जीत अच्छाई की होती है। अच्छा बुरा ये सिर्फ कहने की बातें हैं अर्जुन, इतिहास पढ़ लो। कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने जीता है। तुम जिनकी बात करते हो वो सिर्फ कहानियों में जीतते हैं। तुझे अरेस्ट करूंगा तब देखेंगे जीत अच्छाई की हुई या बुराई की। मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा तू। कल मैं अपने नेटवर्क का पावर तुझे दिखाता हूँ। तूने मुझे 2 लड़कियों को खत्म करने का असाइनमेंट दिया था ना, तेरी यही इच्छा है ना, तो उन दोनों को कल मैं खत्म कर दूंगा। कल सिटी में मेरे बाइकर्स मर्डर स्नैचिंग सब कुछ करेंगे। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रोकता है। कल तू और तेरी पुलिस सड़क पर कदम रख के दिखा। कल सुबह हमारे शहर के बीचों बीच जो ब्रिज है, मैं वहाँ उस लड़की के साथ खड़ा रहूंगा। दम है तो छू के दिखा। गेट रेडी फॉर द गेम।